गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू स्वाविक मॉम स्टूडियो। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मस्त होंगे और बिल्कुल सेफ और बिल्कुल सुरक्षित होंगे। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है, स्वाविक को मैंने शावर ले लिया है, स्वाविक के पापा का ऑफिस भी स्टार्ट हो चुका है और आज स्वाविक की सुबह शुरू हुई है साइकिल चलाने से। आज वो सुबह से ही साइकिल में लगा पड़ा है, जब से वो शावर वगैरह लेके फ्रेशन अप हुआ है तब से साइकिल चला रहा है। तो नीचे तो जा नहीं सकता इसलिए घर में ही चला रहा है, घर में ही घुमाए फिर रहा है पूरी साइकिल। क्या कर रहे हो तुम? साइकिल चला रहे हो? घर में ही चलाते रहते हो? क्योंकि नीचे क्यों नहीं जा सकते? नीचे क्यों नहीं जा सकते? कोरोना भूत है। अच्छा ठीक है, चलाओ, बाय बाय, एंजॉय, बाय बाय। अरे हेलमेट उतार दिया और ये क्या पहन रखा है हाथ में? बॉक्सिंग ग्लव्स। ये बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के साइकिल चला रहे हो तुम? वेरी गुड, बाय बाय। तो जी स्वाविक चला रहा है सुबह सुबह साइकिल और स्वाविक भी नहा चुका है, मैंने भी शावर ले लिया है, आज सर धोया था और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेड टोस्ट और साथ में बना है मैंगो शेक। तो ब्रेकफास्ट भी बन चुका है और अभी हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट, साथ में कपड़े भी धुल रहा हूँ। काम सारा निपट चुका है, यानी झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब हो चुके हैं, बस ब्रेकफास्ट करना है और कपड़े धुल रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि भूख लग रही है, सुबह 7 बजे के उठे हुए हैं और अभी टाइम हो रहा है 10 बजने वाला है, तो ऑब्वियस 3 घंटे में भूख तो लगेगी ना, तो भूख लग रही है। पूजा भी हो गई है मेरी, तो कर लेते हैं ब्रेकफास्ट और फिर आपसे मिलते हैं। तो इस तरीके से हमारा आजकल नाश्ता हो रहा है अंदर कमरे में और इस तरीके से पूरा कमरा हमारा फैला रहता है क्योंकि स्वाविक भी बैठा रहता है और स्वाविक के पापा भी बैठे रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे आपको पता ही है मेरे घर में स्विच बोर्ड की बहुत कमी है, तो एक्सटेंशन लगा के काम करना पड़ता है इस तरीके से। तो स्वाविक ने लगा लिया है अपना टैप फिर से। तुम्हें बिना टैप के नाश्ता खाना नहीं होता तुम्हारा? स्वाविक बताओ, तुम बिना टैप देखे नहीं खा सकते खाना? नहीं। और ये तुम्हारे पास में क्या पड़ा है? ये क्या है? क्या है तुम्हारा टेडी बियर? कंगारू है। चलो ब्रेकफास्ट करो। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद ये मॉर्निंग का थोड़ा सा काम मेरा रह गया था, हालांकि बाकी सारा काम तो मेरा हो ही गया है, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो चुका है, लेकिन ये किचन थोड़ा सा साफ करना रह गया था क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा सा किचन फैल जाता है। तो ये मिक्सी वगैरह मैंने अच्छे से पोंछ के रख दिया और अब ये शेल्फ वगैरह भी साफ कर लूंगी, ब्रेकफास्ट के थोड़े से बर्तन है वो भी साफ करके रख दूंगी। येलो रोब? येलो रोबोट। येलो रोबोट? हाँ। इतने सारे रोबोट है, रोबोट का क्या करोगे? अभी येलो रोबोट चाहिए तुम्हें? ना। अभी नहीं आ रहा ना बेटा, लॉकडाउन है, अमेजोन पे डिलीवरी नहीं हो रही, जब अमेजोन डिलीवरी करेगा तो मंगा दूंगी। ठीक है? ठीक है, ओके, भागो यहाँ से। और आज लंच करने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, 3:30 बज गए थे जब मैं लंच बनाने चली, 3:30 बजे ही स्वाविक के पापा ने बोला कि उन्हें भूख लग रही है, तो आज कुछ बना नहीं था ऐसे, सच में उन्हीं का वेट कर रही थी कि जब वो कहेंगे तभी बनाऊंगी। और 3:30 बजे उन्होंने बोला कि मुझे भूख लग रही है, तो कुछ खाना बनाने का तो वो टाइम था नहीं, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मैक्रोनी बना लेते हैं। तो ये मैक्रोनी मैंने बॉयल कर लिया, उसके लिए मैंने काट लिया है कैप्सिकम, टमाटो और अनियन और ये थोड़े से मसाले हैं, हल्दी, नमक, गरम मसाला और ब्लैक पेपर और सॉसेस वगैरह हैं जैसे ग्रीन चिल्ली, सोया सॉस और टमाटो सॉस। तो मोस्टली मैक्रोनी बनाते हुए मैं यही सब चीज़ें यूज़ करती हूँ, ज़्यादा फैंसी तरीके से नहीं बनाती हूँ। तो अभी मैंने प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च को अच्छे से भून लिया है, ज़्यादा फ्राई तो करते नहीं है वैसे भी पास्ता या मैक्रोनी बनाने में, तो अच्छे से सॉटे कर लिया है। उसके बाद ये हल्दी, नमक, गरम मसाला और ब्लैक पेपर डाल दिया और अब डाल दूंगी मैं टमाटो सॉस, ग्रीन चिली और सोया सॉस। तो ये सब आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, किसी को ज़्यादा तीखा पसंद होता है, किसी को ज़्यादा टमाटो सॉस पसंद होता है, पर हमारे यहाँ हर चीज़ बैलेंस में ही डलती है, ना कोई ज़्यादा टमाटो सॉस खाता है ना ही किसी को ज़्यादा तीखा पसंद है, तो थोड़ा थोड़ा टेस्ट आना चाहिए हर चीज़ का,
इस तरीके से ही बनती है, तो मैंने उसी तरीके से सब चीज़ें डाल दी हैं और ये मैक्रोनी बन के तैयार है। तो अभी मैं इसे सर्व कर देती हूँ। सो फ्रेंच लंच वगैरह हो गया है हमारा और अभी मैं लेके आई हूँ कपड़े। ये सारे कपड़े सूख गए थे तो इन्हें उतार के लेके आई हूँ और अब इनको फोल्ड करके रखना है। तो ये लॉकडाउन और वर्क फ्रॉम होम में रूटीन तो आप देख रहे हो, सारा ऊपर नीचे हो गया है। और बहुत सी ऐसी फैमिलीज होंगी जिनका रूटीन इसी तरीके से ऊपर नीचे चल रहा होगा, क्योंकि इस टाइम बच्चों की भी छुट्टियां हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो कोई रूटीन ही नहीं बन पा रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों का रूटीन कैसा चल रहा है और आप लोग कैसे हो, ये भी ज़रूर मुझे बताइएगा। बाहर कैसे हालात चल रहे हैं भाई, हमें तो पता नहीं है, क्योंकि हम न्यूज़ से रख रहे हैं खुद को बिल्कुल दूर, क्योंकि न्यूज़ जितनी सुनो ना उतना नेगेटिविटी होती है, तो हम तो न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। तो बाहर कैसा चल रहा है, इस टाइम क्या सिचुएशन है, वी रियली डोंट नो। और हम बाहर निकल भी नहीं रहे हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया है बाहर निकले हुए और अब थोड़ी सी बोरियत सी भी होने लगी है घर में बैठे बैठे। आदत तो है नहीं, हर सैटरडे संडे कहीं ना कहीं घूमने जाने की आदत थी, तो अब थोड़ा सा बोर लगने लगा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इस बेटर टू बी सेफ ना, तो घर में ही रहना ज्यादा अच्छा है। क्या दिखाना है स्वाभिक को, आपको कुछ दिखाना है, दिखाओ। ओ माई गॉड, अच्छा स्वाभिक स्पाइडरमैन की तरह लटक के दिखाओ जरा एक बार, कैसे स्पाइडरमैन कैसे लटकता है। अरे लटक के दिखाओ। ओ माय गॉड, ऐसे लटकता है स्पाइडरमैन, वेरी गुड। तो आजकल ये स्पाइडरमैन मूवी बहुत देख रहा है, तो इस तरीके से इस पर लटक लटक के दिखाता है कि स्पाइडरमैन कैसे लटकता है और उलट पुलट कलाबाजियां खा खा के दिखाता है। देखिए इसको, बस यही सब हरकतें हमारे घर में आजकल चल रही हैं इसकी, कभी इधर से कूदना, कभी उधर से कूदना, कभी कैश के साथ भागम दौड़ी करना है ना, यही सब करना है तुम्हें। कैश काटा कुटी खेलता है। अच्छा, इसलिए मुझे पकड़ता है, इसलिए तुझे पकड़ता है, तुझे काटना होता है। अच्छा, तो गंदा है फिर कैश। इसे वापस कर दे? नहीं। तो जल्दी से ये कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, फिर चाय भी बनाना है। तो 3:30 बजे तो आज हमने लंच किया है और टाइम हो रहा है 4:15 हो गए हैं, तो 5 बजे करीब चाय वगैरह बनाऊंगी। तो पहले कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। ऐसी की तैसी होगी तेरी, तेरी ही ऐसी की तैसी होगी, तेरी ऐसी की तैसी करूंगी मैं, करूंगी तेरी ऐसी की तैसी। तो मैं भी ऐसी की तैसी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती मैं तेरी ऐसी की तैसी? क्योंकि मैं कर सकता हूँ तेरी ऐसी की तैसी। मेरी ऐसी की तैसी कर सकता है तू? हाँ। चल पतलू राम, अरे बाप रे पतलू राम डुजुम। कैश क्या कर रहे हैं आज? और भाई कैश बाबू, कैश बाबू, ये गंदे कैश बाबू हो गए हैं आजकल, बहुत परेशान करते हैं मम्मी पापा को। ये आजकल मम्मी पापा को बहुत परेशान करने लगे हैं कैश बाबू, गंदी गंदी बातें सीख रहे हैं, गंदी गंदी बातें सीख रहे हैं ये आजकल। तुझे टी शर्ट काटना है, तुझे इसका टी शर्ट काटना है भैया का, भैया के कपड़े चाहिए, ये वाले कपड़े चाहिए भैया के। देखो भैया डांस कर रहा है, भैया डांस कर रहा है, भैया डांस, कट 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 भैया को, कट 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 कट, बंद कर देगा भैया बास्केट में, भैया को काटा तो बास्केट में बंद करके ले जाएगा ऊटी। ये भैया डरता बहुत है, मैं नहीं लूंगी गोदी, मैं नहीं लूंगी तेरे को गोदी। ना बाबा, मैं कपड़े तय बना ली हूँ, मैं अभी गोदी नहीं ले सकती हूँ, अभी मैं गोदी नहीं ले सकती, अभी खेलो तुम, ठीक है। तो फ्रेंड्स 7:15 हो रहे हैं और टाइम हो गया है डिनर बनाने का, तो मैंने पूजा तो कर ली और अब डिनर बना रही हूँ। डिनर में बना रही हूँ मसूर की दाल और प्लस पनीर की सूखी सब्जी बनाऊंगी। तो ये पैकेट वाला पनीर है जो आता है आजकल, डेयरी वगैरह तो खुल नहीं रही है यहाँ पे, तो मैंने ये पैकेट ही मंगवा लिया था 1/2 किलो का। तो थोड़ा बन चुका है, थोड़ा बाकी है, तो थोड़ा सा आज बना लूंगी, थोड़ा फिर किसी और दिन बना लूंगी। तो सूखी सब्जी बनाऊंगी पनीर की और प्लस मसूर की दाल मैंने चढ़ाई दी है यहाँ पे, तो ये तब तक बॉयल होती है तब तक मैं पनीर की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो क्योंकि ये फ्रीजर में रखा था ना, तो इसे थोड़ी देर गर्म पानी में डालना पड़ेगा जिससे ये सॉफ्ट हो जाए। मैंने सब्जियां चॉप कर ली हैं, जैसे कि अनियन, टमाटो, गार्लिक है
और हरी मिर्च है और धनिया है, इसे अच्छे से मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया सब चीज़ों को। तो पहले मैं बना लेती हूँ पनीर। पनीर के लिए मैंने लिया सरसों का तेल, उसमें डाला है जीरा, हींग और ये गार्लिक, हरी मिर्च और थोड़ा सा प्याज। इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें डाला है मैंने हल्दी, नमक, साथ में डाला है सब्जी मसाला, धनिया पाउडर, सौंफ का पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च। और उसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें टमाटो, और जिस पानी में मैंने पनीर उबाला था ना, बॉईल किया था, उसी पानी को मैं थोड़ा सा डाल दूंगी, जिससे कि ये मसाला अच्छे से भुन जाए और टमाटर अच्छे से गल जाए। तो ये मैंने इसमें मिला दिया, और जब ये मसाला आपका अच्छे से भुन जाए, ऑयल सेपरेट होने लगे, तो इस पनीर को अच्छे से क्रम्बल करके आप डाल सकते हो। पूरे पूरे पीसेस भी डाल सकते हो या फिर बहुत ही ज़्यादा क्रम्बल करके भी डाल सकते हो, पर मैंने ना तो पूरे पीस डाले ना ही ज़्यादा क्रम्बल किया है। इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के पनीर को डाल दिया है। तो ये पनीर की सब्जी बनके तैयार है, और अब मैंने डाल दिया है इसमें धनिया, और ये रेडी है हमारी पनीर की सब्जी। और अब मैं लगाऊंगी दाल में तड़का। दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने डाला है, घी में ही मैं तड़का लगाती हूँ, तो घी में डाल दिया है मैंने प्याज, टमाटर और कश्मीरी लाल मिर्च। और अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला, जीरा और हींग भी डाली थी, सॉरी जीरा और हींग भी पहले डाल दिया था मैंने इसमें, और अब मैंने ये गरम मसाला डाल दिया है। तो ये मसाला मेरा भुन के अच्छे से तैयार है तड़का, और अब मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी दाल जो अच्छे से बॉईल हो गई है। तो ये दाल भी मेरी बन के रेडी है, और अब इसमें बस डालूंगी मैं धनिया पत्ती, और एक बॉईल आने के बाद इसे भी मैं बंद कर दूंगी। ये कैच का फेवरेट गेम है। बस शांत बैठो, आराम से बैठो, चलो ब्रश करेंगे। और अब कैश की होगी ग्रूमिंग। ये कैश का ब्रश कराने का टाइम है, और पापा ही करते हैं कैश को ब्रश, क्योंकि मम्मी के काबू में नहीं आता है ये गंदा डॉगी। खुदा पांदी हो गई थी, तेरे को भी करना चाहिए। मैं सॉरी, कैसे ऐसे फेंकना चाहिए, फिर तू भाग के आए करें। एक बार ट्राई कर दे। चल गुजी गुजी करते हैं। ब्रश करा के तो कैश और एक्टिव हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। अरे गुदगुदी हो रही है, जैसे स्वामी दादा को होती है वैसी हो रही है। जब भी बस बस बिल्कुल चुप, कोई शैतानी नहीं होगी अभी, ठीक है? ब्रश करा लिया तूने? साफ साफ हो गया। अरे कहाँ जा रहे हैं वो लोग? नहाने जा रहे हैं। जाओ तुम भी जाओ नहाने फटाफट, चलो। तो फ्रेंड्स, डिनर बन गया है, और अभी स्वाविक के पापा स्वाविक जाएंगे चावल लेने के लिए, क्योंकि वो शाम को ही चावल लेते हैं, और फिर उसके बाद हम करेंगे डिनर। तो डिनर में आपने देखा ही, मैंने पनीर की सब्जी बनाई है और मसूर की दाल बनाई है, चावल भी बना दिए, बस रोटी सेकनी रह गई है। तो अभी बस रोटी सेकूंगी गरम गरम, और उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। तो इस ब्लॉग को करते हैं यही एंड, और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, और घर में रहिए और सेफ रहिए, और प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आई, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल टू, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल को हिट नहीं करोगे आगे आने वाली वीडियोज का आपको कैसे पता चलेगा। प्लीज यार लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करना ना भूलना। तो बाय बाय एंड लव यू।